हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ आज एक न्यू सीरीज के साथ जिसका नाम है लव सिंड्रोम। वैसे इस सीरीज को कई सारे चैनल में स्टार्ट तो किया गया है, पर इस सीरीज की मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। मैं इस सीरीज को स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, पर मुझे लगा कि मुझे इस सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की कहानी अनफॉरगेटन नाइट में जो इतर डे थे उनकी कहानी पर है। जैसा कि मैंने अनफॉरगेटन नाइट को एक्सप्लेन किया है, तो इस हिसाब से मुझे इस सीरीज को जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए। और इस सीरीज में ली लॉन्ग और फ्रैंक दिखेंगे, और फ्रैंक को हमने इससे पहले GMM टीवी के कई सारे पॉपुलर सीरीज में देखा है। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें रात में एक कार को जाते दिखाया जाता है। कार पे एक बर्थडे केक रखी होती है, तभी उस कार के एक्सीडेंट की आवाज आती है और जो उस कार को ड्राइव कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन चेंज होकर हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर डे और इत को साथ में सोए दिखाया जाता है, और बैकग्राउंड से इत की आवाज आती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पिछले 2 साल से ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, यानी कि दोनों के रिलेशनशिप को अब 2 साल से ज्यादा हो चुका है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट हुई थी। झूठ और बदला जो कि प्यार में बदल गया, जो कि दोनों के रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग है। तभी दिखाया जाता है कि डे की नींद खुल जाती है और वो इत के शोल्डर पे किस करता है। वो उसे जगने के लिए प्यार से आवाज देता है। इत उसकी तरफ मुड़कर स्माइल करने लगता है और वो क्यूट हरकतें करता है। वो डे का हाथ जोर से पकड़ लेता है। डे उसे कहता है कि क्या उसे और ज्यादा सोना है। ये कहकर वो इत को किस करता है और उसे कहता है कि ये मॉर्निंग किस है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद हमें कार वाली जगह का सीन दिखाया जाता है। तभी इत एक लड़के के पास जाता है जो कि कार पे काम कर रहा होता है, और वो लड़का सही से काम नहीं करता। तो इत आकर उसे डांटने लगता है और उस काम को खुद ही करने लगता है। वहीं डे को ऑफिस में काम करते दिखाया जाता है। तभी उसके पास इत के डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि इत को आखिर क्या हुआ। डे उन्हें कहता है कि सब कुछ सेम है और वो तो जानते हैं कि इत कैसा है। दूसरी तरफ इत के मॉम इत के पास जाती हैं और उसे कहती है कि वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, उसे क्या हुआ है। और वहाँ कार ठीक करने वाले लोग इत को छेड़ने लगते हैं, ये कहकर कि इत आज नाराज है। ये सुनकर इत उन लोगों को डांटने लगता है। इत की मॉम उसे डे के पास खींचकर ले जाती हैं और कहती हैं कि वो यहाँ पे कार्स को तोड़ डाले, इससे पहले वो डे के पास चले। इत डे के तरफ नाराज होकर देखता है और कहता है कि वो स्टूपिड नहीं है और उनका इंजीनियर ही ठीक से काम नहीं कर रहा, वो खुद ही देखे। इत के डैड उसे कहते हैं कि वो डे को तंग ना करे। इत उन्हें कहता है कि डे ने उसे प्रॉमिस किया था कि आज वो उसे अपने साथ केक खिलाने ले जाएगा, पर वो अब भी यहीं पर बैठा है। उसके डैड उसे कहते हैं कि डे यहाँ पे काम कर रहा है और अगर उसे अब भी जल्दी है तो वो आकर डे की हेल्प करे। इत अपने डैड से कहता है कि उसके डैड तो ये बात जानते हैं कि इत अपना दिमाग यूज करने में अच्छा नहीं है, और इससे अच्छा वो अपने ताकत को ही यूज कर लेता है। इत की मॉम उसे कहती है कि वो पहले डे को उसका काम खत्म करने दे, बाद में वो लोग केक खाने चले जाएंगे, और इस बात के लिए उसे सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है कि जो भी उसे चाहिए वो उसे अभी ही मिलेगा। वो अभी जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। इत कहता है कि वो लोग इत के मॉम डैड है तो वो डे की साइड क्यों ले रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि वो सही चीज की साइड लेते हैं और इत केयरफुल रहे, वरना एक दिन डे उससे ब्रेकअप कर लेगा। इत इस बात को सुनकर चिढ़ जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि वो लोग उसे इस बात की धमकी ना दे। डे सारी बातें बैठा चुप से सुन रहा होता है, पर तभी डे को ये बात बुरी लगती है कि इत अपने मॉम डैड पे चिल्ला रहा है। तो इत को उनसे सही से बात करने को कहता है, तो इत अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलता है।
वो डे से कहता है कि क्या डे उसे केक खिलाने ले जाएगा। डे उसे कहता है कि वो वेट करे, काम खत्म होने के बाद वो उसे ले जाएगा। इत उसे कहता है कि अगर उसका काम जल्दी खत्म नहीं हुआ तो केक शॉप भी बंद हो जाएगा। डे उसे कहता है कि आज वो शॉप बंद नहीं होगा और अगर वो बंद हो गया तो वो उसे कल ले चलेगा। इत उसे कहता है पर उसे आज ही जाना है और उसे आज ही खाना है और डे को उसे आज ही ले जाना होगा। इत के डैड डे से कहते हैं कि वो इत की बातें ना माने क्योंकि इत सेल्फिश है और इत अपना मुंह फुलाए बैठा होता है। आगे दिखाया जाता है कि डे इत को केक शॉप पे ले जाता है और इत वहाँ बहुत खुश होता है। वो डे को अपने हाथों से प्यार से खिलाता है और वो डे के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑर्डर करता है। वहाँ जो लड़की होती है वो इत से मना करती है कि ये कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो डे शायद सो भी नहीं पाएगा। इत उसे कहता है कि ये तो बस एक कॉफी है और इससे डे का कुछ भी नहीं होगा। डे उसे कहता है कि अगर वो कॉफी के वजह से सो नहीं पाया तो इत को उसके साथ रहना होगा। इत उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो उठकर वॉशरूम जाने लगता है। तभी डे उसके पीछे मारता है और इत वहाँ से चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि पास वाली सीट पे एक लड़का बैठा होता है और जिसका पूरा ध्यान तब से सिर्फ डे की तरफ ही होता है। इत के वॉशरूम जाते ही वो डे के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ उसे वाईफाई नहीं मिल रहा तो क्या वो उससे अपने हॉटस्पॉट को शेयर करेगा। उसे कुछ अर्जेंट वर्क सेंड करनी है। डे उसकी बात मान लेता है और उससे अपना हॉटस्पॉट शेयर करता है पर उस लड़के का पूरा ध्यान डे की तरफ होता है। तभी वहाँ पे इत आ जाता है और वो लड़का इत को देखकर घबरा जाता है। इत डे से पूछता है कि क्या ये लड़का उसका फ्रेंड है। डे उसे कहता है कि नहीं, उसे डे का हॉटस्पॉट चाहिए था। तभी वो लड़का डे का नाम सुन लेता है और डे से कहता है कि क्या उसका नाम डे है। इत उसे कहता है कि यहाँ के वाईफाई सिग्नल तो ठीक चल रहे हैं और वो वॉशरूम में जाकर भी चेक कर सकता है। वो लड़का उसे कहता है कि उसे कुछ अर्जेंट वर्क सेंड करनी थी। ये बात सुनकर इत गुस्सा होने लगता है और कहता है कि यहाँ के वाईफाई के सिग्नल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डे इत को गुस्सा होता देख घबरा जाता है। तभी इत डे से कहता है कि डे के हाथ तो फ्री नहीं है। ये कहकर वो उसे अपने हाथ से केक खिलाने लगता है और वो लड़का समझ जाता है कि डे और इत कपल हैं। तो वो लड़का वापस से अपने सीट पे चला जाता है। उसके जाने के बाद इत अपना मुंह फुला लेता है। डे उसे कहता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों बाथटब में साथ होते हैं और इत डे को अपने टांगों से टच कर रहा होता है। वो अपने पैर को उसके सीने पे रखता है। डे उसे कहता है कि इत नॉटी हरकतें ना करे। स्माइल करके कहता है कि क्यों नहीं और उसके मूड को क्या हुआ। डे उसे कहता है कि सब कुछ इत की वजह से, वो हमेशा थोड़ी देर में अपना मूड बदल लेता है। इत उसे कहता है कि सब कुछ डे की वजह से और वो ये बात जानता था कि वो लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और इसके बाद भी उसने उसे अपने साथ फ्लर्ट करने दिया। ये कहकर वो अपना मुंह फुला लेता है। डे उसे कहता है कि वो लोग 2 साल से साथ है और इत को अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि डे को अब भी इत के अलावा कोई और चाहिए होगा। इत उसे कहता है तब वो ये सब जो भी मन चाहे करे और इत भी दूसरों के साथ जा सकता है। डे उसके करीब आकर कहता है कि इत अब भी दूसरे लड़कों के बारे में क्यों सोच रहा है। एक लेडी का कॉल आता है और वो लेडी उसे घबरा कर कुछ बता रही होती है। डे उन्हें कहता है कि वो वहाँ पे आ रहा है। इत उसे कहता है कि क्या हुआ। डे उसे बताता है कि किसी ने उसके सलोन में तोड़फोड़ की है। इत कहता है कि किसने ऐसा किया होगा, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग डे के हेयर सलोन पे पहुँचते हैं और जहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा होता है
और वहाँ पे वही लेडी होती है जिन्होंने डी को कॉल किया था। डी उन्हें पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो लेडी कहती है कि हाँ, और लकीली यहाँ पे काम करने वाले लोग उस टाइम तक घर जा चुके थे और उनके जाने के बाद ये सब हुआ। कोई भी यहाँ पर नहीं रुका था। इतने कहता है कि क्या क्या चीजें बर्बाद हुई हैं। वो लेडी उसे बताने लगती है कि जितने भी काम वाली चीजें थी सारी चीजें डैमेज हो चुकी है और आधी चीजें चोरी हो गई। उनका आईपैड भी गुम गया। इड्डी से कहता है कि वो इत को पता लगाने दे कि किसने ये सब किया होगा। वो उन्हें जाने नहीं देगा। डी उस लेडी से पूछता है कि क्या यहाँ पे पुलिस आई थी। वो लेडी कहती है कि हाँ, पुलिस आई थी और उन लोगों ने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया और स्टोर के लोगों से पूछताछ करने लगे और आसपास के लोगों से भी। पास वाले एक आदमी ने उन्हें बताया कि उन्होंने यहाँ पे आसपास 3-4 टीनेजर्स को देखा था। डी उन्हें कहता है कि वो उन्हें न्यू आईपैड खरीद देगा। एड्डी से कहता है कि अगर पुलिस ये सब पता नहीं लगा पाई तो फिर क्या होगा। डी उसे कहता है कि वो लोग बैड लक सोच कर सारी बातें भूल जाएंगे। इत उसे कहता है कि वो कब से लोगों को इतनी आसानी से माफ करने लगा। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डे किसी को बुरी तरह से पीट रहा होता है। वो उस इंसान की जान भी लेने वाला होता है। उस पे गोली तो चलाता है पर उसे जान से नहीं मारता। और इत को भी उसके पास दिखाया जाता है। और यहाँ इस चीज से हमें ये पता चलता है कि डे पहले कैसा था, क्योंकि जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि डे एक टाइम पे कमोल के लिए काम किया करता था और कमोल तो एक माफिया है। पर इससे मिलने के बाद डे ने खुद में चेंजेस लाया और उसने ये सारा खून खराबा बंद कर दिया और सारे बुरे काम भी। तभी हम ये चीज देख सकते हैं कि हमेशा डे से हर बात में जिद करता रहता है पर डे कभी भी उस पे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि डे ने खुद को इत के लिए बहुत ज्यादा बदला है। आगे नाइट में वो दोनों एक क्लब पे जाते हैं। एड्डी से कहता है कि उनके सलोन में तोड़फोड़ हुई और इसके बाद भी डे यहाँ पे स्नूकर खेलने आ गया। और तभी वहाँ पे उस क्लब का मालिक बैंक उनसे मिलता है और वो लड़का उनका फ्रेंड होता है और उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है। वो अपनी बेटी को उनके पास छोड़कर काम संभालने चला जाता है। इत उस बच्ची से कहता है कि क्या उसे वो लोग याद है। वो बच्ची कहती है कि हाँ, इत डे का बॉयफ्रेंड है और वो लोग साथ में खेलने लगते हैं। इसके बाद इत को अकेले बैठे दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है और सामने डे जहाँ स्नूकर खेल रहा होता है वो कंटिन्यू उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी इत के पास एक लड़का उससे बात करने आता है और वो इससे कहता है कि वो किसके साथ यहाँ पे आया। इत उसे कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया है। ये कहकर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ डे स्नूकर खेलता हुआ उनके तरफ देख रहा होता है। वो लड़का इत से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी डे उसे जानबूझकर अपने शोल्डर से धक्का देकर जाता है और वो जाकर इत के पास बैठ जाता है और उसके तरफ मुंह फुलाकर देखने लगता है। पर वो इत को कुछ भी नहीं कहता। इत उसे कहता है कि इतने तो कुछ भी नहीं किया। डे उसे कहता है पर उसने तो इत को अब तक कुछ भी नहीं कहा। इत बैंक से पूछता है कि क्या इत से मिलने से पहले डे यहाँ लोगों से फ्लर्ट किया करता था, क्या वो एक प्लेयर था। डे उसे कहता है कि अगर उसे डे के बारे में कोई भी क्वेश्चन करनी हो तो ये सारे क्वेश्चंस डे से कर सकता है। इत उसे कहता है कि उसे ये सब डे से नहीं जानना। बैंक उसे बताता है कि डे ने कभी भी किसी के भी साथ फ्लर्ट नहीं किया। वो कभी भी फ्लर्ट स्टार्ट नहीं करता था। लोग हमेशा खुद ही डे के पास आया करते थे। उसका पहले कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था पर वो यहाँ एक ही इंसान के साथ आया करता था जो कि डे का भाई नाइट है। डे सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। बैंक इत से कहता है कि डे इत को ही सीरियसली लव करता है। ये सारी बातें सुनकर इत खुश हो जाता है। डे
उससे कहता है कि क्या इत को अपना सारा आंसर मिल गया। इत स्माइल करने लगता है और इत डे को कुछ भी नहीं कहता और इत वॉशरूम जाने लगता है। वो डे से कहता है कि वापस आने के बाद डे को उसे स्नूकर खेलना सिखाना होगा। आगे वो वॉशरूम पे जाता है जहाँ कुछ लड़के आपस में सैलून की चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग उन सारी चीजों को कहाँ बेच रहे हैं। वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि क्या उन लोगों ने उन सारी चीजों को बेचा। वो बात करते हैं कि उस सैलून का मालिक बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बैंकॉक में रहता है और यहाँ इन सारी चीजों को संभालने के लिए कोई भी गार्ड नहीं है। ये सब बातें सुनते ही इत उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो उनसे कहता है कि उन लोगों ने ही उनके सैलून पे चोरी की। इसके बाद उनमें फाइट होने लगती है। इत उन्हें मारता है पर वो लोग चार होते हैं तो इत वॉशरूम के बाहर चला जाता है और वो सारे लोग भी इत के पीछे वॉशरूम के बाहर जाते हैं और जहाँ पे वही लड़का होता है जो इत से बात करने आया था। वो इत की हेल्प करता है और वो उन लोगों की खूब पिटाई करने लगता है। साथ ही उस जगह पे डे भी मौजूद होता है और वो भी इन लोगों को खूब पिटता है, पर इसके साथ ही वो कंटिन्यू स्नूकर भी खेल रहा होता है और वो झगड़े के दौरान एक बार भी स्नूकर खेलना बंद नहीं करता, पर इसके बाद भी वो उन सारे लोगों की खूब पिटाई करता है। तभी वो देखता है कि वो लड़के इत के पास आते हैं और उस पे अटैक करते हैं तो डे जाकर उनकी पिटाई करता है और वो इत को स्नूकर टेबल पे सुला देता है और उसके करीब आकर वो स्नूकर खेलने लगता है। उनकी फाइट खत्म होती है और उन लोगों ने मिलकर उन सारे लड़कों की बहुत पिटाई की होती है। तभी वो लड़का उन दोनों को बताता है कि वो उन सारे लड़कों को जानता है तो ये सारी चीजें वो संभाल लेगा। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।